हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे खड़े मसाले लिए हैं, तो इससे हम बनाएंगे राजमा मसाला। जब आप ढाबे पे या कहीं बाहर राजमा खाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो लोग अपना खुद का मसाला तैयार करते हैं, और इसी तरह से मसाला आज हम घर पर तैयार करेंगे। और जब आप एक बार ये मसाला बना लेंगे और इससे राजमा बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिल्कुल ढाबे वाला राजमा लगेगा आपको। तो मसाले बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच साजीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 10 से 12 लौंग, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 5 से 6 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, 4 से 5 लाल मिर्च लिए हमने, आधा जायफल लिया है, 2 से 3 तेज़पत्ता, स्टार फूल है 4 से 5, 1 बड़े चम्मच काजू टुकड़ा लिया है हमने, आप मगज भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, और सारे मसाले हम बहुत ही धीमी आंच पर सेकेंगे, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करना है। तो 3 से 4 मिनट इसे हम धीमी आंच पर सेकेंगे, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो आप भी इस तरह से घर पर राजमा मसाला बनाकर रख सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे, और जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो आप मसाला यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका राजमा। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे, मसाले हमारे अच्छे से सिक गए हैं। 1 बड़े चम्मच तक हम कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे, नहीं तो वो जल जाएगी। तो मसाले के अंदर हमने कसूरी मेथी डाल दी है, अभी इसको हम थोड़ी देर चला देते हैं ताकि कसूरी मेथी भी अच्छे से भुन जाए। तो चलिए, मसालों को हम प्लेट में निकाल के रख देते हैं इसे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमने खड़ी लाल मिर्च ली थी, इसकी डंडियाँ हम निकाल देते हैं। तो सारी डंडियों को हमने हटा दिया है, मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अभी इन्हें हम मिक्सी जार में डालते हैं और इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पीस चुके हैं, अभी इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, कुछ चीज़ें अभी और ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मसालों को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी जाएगा इसके अंदर 1 बड़े चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे, और सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से घर पर राजमा मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मसाला की रेसिपी कैसी लगी। तो मसालों के अंदर अनारदाना पाउडर डालना था, वो मैं भूल गई थी, अभी मैं मिक्स कर देती हूँ।